दोस्तों, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, इस बात पर हम फिर दोबारा बात करेंगे। लेकिन अभी मैं एक कहानी के बारे में बात करूंगा आपसे, जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी। अब ये कितनी सच्ची है कितनी झूठी है मुझे इसके बारे में सही में नहीं पता, लेकिन उसने बताया कि ये कहानी सच्ची है। ये कहानी उन्हीं के एक फ्लैट की कहानी है। उन्हीं का एक फ्लैट है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। तो उसने मुझे बताया कि वो जो उनका फ्लैट है वो काफ़ी समय से, मतलब किराए पे रेंट पे नहीं दे रहे थे वो, क्योंकि वहाँ पर कुछ समय पहले उन्होंने वो रेंट पे दिया था, तो अचानक से वहाँ से जो किराएदार रह रहे थे, एक फैमिली थी, छोटी फैमिली थी, वो बीच में छोड़ के चले गए उसको। तो अब जो ये कहानी का मैं बताने का जो मेरा मकसद है कि हो सकता है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे, हो सकता है कि आपको ये कहानी झूठी लगे, या इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है कि आपको आपके दिमाग में उस कहानी का क्या एक इमेज बनती है। लेकिन हाँ, मुझे जैसे मतलब उसने बताई कहानी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर जरूर करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। उसने बताया कि जैसे जब वो फ्लैट बना था उनका, तो उसने वो फ्लैट मतलब उस बनाने के दौरान ही वहाँ पे उसको कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ नज़र आई थी, जैसे वहाँ पे कुछ हड्डियाँ सी मिली थी कुछ, मतलब जब वो मतलब उस जगह पे वो बन रहा था उनका, तो वो एक पूरा प्लॉट था। तो तब उसने गौर नहीं किया उस चीज़ पर, ऐसा उसने समझा कि पूरी एक वो है, सोसाइटी है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये अकेले सोसाइटी वाले ही मतलब उसको करेंगे, मतलब सारे रहेंगे वहाँ पे। तो उन्होंने इतनी टेंशन नहीं ली, वो उस चीज़ को उसने इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो जो रूम था, वो जो उनका फ्लैट था, सिर्फ उन्हीं का ही फ्लैट, काफ़ी समय से वो किराएदार आते थे रहने के लिए, कुछ ना कुछ किसी को देते थे, वो किराए पे चढ़ता ही नहीं था। मतलब उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, बाकी के जो फ्लैट थे वो जो उस पर बने हुए थे वो सब चढ़ रहे थे, वो सब किराए पे जा रहे थे, किराएदार आ रहे थे, किराएदार जा रहे थे, लेकिन उन्हीं का ही फ्लैट जो था वो मतलब कभी भी चढ़ता ही नहीं था। मतलब वहाँ पे अगर कोई आता था तो एक दिन रहता था या दो दिन रहता था, वो अगले दिन छोड़ जाता था, और कोई उनको बताता कुछ नहीं था कि हम क्यों छोड़ रहे हैं या ऐसा क्यों है। तो उसने मेरे को बताया, मेरे फ्रेंड ने, कह रहा कि फिर एक दिन हमने ये सोचा कि क्यों ना हम दोस्त लोग चलते हैं वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि एक दो दिन अगर कोई रुक के जा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं होगा। वो सोच रहा है कि मैं वहाँ पे जाके रहूँ, पता चले कि हाँ क्या दिक्कत है उसमें, कोई पानी की दिक्कत है या कुछ ऐसी दिक्कत है कि कोई रुक नहीं रहा है ना, कोई वजह भी नहीं बता रहा, तो हम ही रुक जाते हैं। तो उसने, मेरे दोस्त ने बोला कि मैं और मेरे दो तीन दोस्त और हम वहाँ पे चले गए, जैसे कि दोस्त लोग पार्टी करते हैं या थोड़ा सा कि यहाँ भी फंक्शन कर लेंगे, वहीं पे रुक जाते हैं। तो तीन चार दोस्त जो है मिलके वहाँ पे पहुँचे। तो उसने बताया कि जैसे वो वहाँ पे रहने गए, तो क्या था कि रात को क्या होता था कि जैसे वो रात को रुके, अब खाना वाना खाना खाया उन्होंने, बाहर से लेके आए थे खाना, तो बाना खाना वाना खा के अपना एंजॉय कर रहे थे, मतलब मस्ती कर रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। तो अचानक से जैसे बाहर कोई हवा नहीं चल रही है, लेकिन जो दरवाजे हैं वो अपने आप मतलब बंद हो रहा है, जैसे एक दरवाज़ा होता है ना, जैसे ऐसे हवा के साथ ऐसे खुलता है, बंद होता है, मतलब बंद पूरा नहीं प्रॉपर, वो मतलब हल्का हल्का ऐसे मतलब स्लाइड सा हो रहा था। उसने बाहर जाके देखा तो हवा नहीं चल रही थी, तो उसको हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद पता नहीं क्या किस वजह से होगा, अचानक हो गया होगा, तो नहीं कोई परवाह करता, इतनी नहीं सोचता कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग तब नहीं इतना काम करता। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ये इस बात को छोड़ देते हैं। तो फिर उन्होंने रूम बंद किया, तो सोने की तैयारी करने लगे। जैसे वो रूम बंद करते थे दरवाज़ा, तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, चिटकनी लगी हुई अपने आप खुल जाती, यानी कि उन्होंने चिटकनी भी लगाई तो चिटकनी के बावजूद भी वो दरवाजा था खुल गया। मतलब ये चीज़ बहुत हैरानी वाली थी उसके लिए, हैरान करने वाली थी कि हाँ, मतलब जैसा मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी कि चिटकनी लगा के हम आ रहे हैं तो वो खुल रही है और दरवाज़ा पूरा खुल रहा है, उतना ही आधा दरवाज़ा खुल जाता था। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि जैसे होता ना कि किसी का कोई वेट करने के लिए दरवाज़ा खोला होता है ना, तो ऐसा हुआ आधी, मतलब वो यही चीज़ नोटिस करते रहे रात भर। आधी रात हुई, मिडनाइट हुई, एक डेढ़ बज गया, तो एक डेढ़ बजे
वैसे ही वो दरवाजा खुला हुआ था और वहां से कुछ ऐसा लगा जैसे शेडो होती है ना, शेडो एंटर हुई अंदर, जैसे कहते हैं कि किसी को इंतजार करने के लिए शायद खोला हो या किसी के लिए ऐसे मतलब खोला गया हो वो रूम ना, तो उसने उसको वो चीज फील हुई, वो कह रहा मेरे को पूरा वो शेडो दिखी, मतलब शेडो के पांव दिखे, वो एंटर हुए और एक साइड पे निकल गए। मैं मतलब इस कहानी में मुझे थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा यार इस पे तो कॉन्सेप्ट बनता है, मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ कि हाँ ये कुछ अनोखा है कुछ ऐसा ना। हाँ बट लेकिन एक चीज और हैरान करने वाली बात हुई कि वो जो शेडो थी वो अंदर चली गई, उसके बाद उनका जो पानी का जो नल था वो ऑन हुआ, जैसे कोई हाथ धो रहा है, वो चलाया गया, हाथ धोए गए, पानी थोड़ा सा ऐसे गिरा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सारा कुछ शांत हो गया। अब मैंने उससे पूछा कि फिर क्या हुआ, कि तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कि तुम्हें कुछ उसने दिक्कत तो नहीं करी। वो कह रहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हुआ सब कुछ ना, मतलब वो आया वो जो भी शेडो आई और हाथ धोए धोए वो सारा कुछ हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर उसको ये समझ आ गया था कि ये हमारा जो रूम है फ्लैट है ये क्यों नहीं किराए पे चल रहा है, क्योंकि फैमिली वाला बंदा कोई भी हो वो डर जाता है इन चीज़ों से। तो फिर उसने क्या किया, कह रहा कि अब मैंने जाकर पंडित को बुलाया, हमने पंडित को बुलाया, हवन वहाँ पे करवाया था, तो फिर जब वहाँ पे हवन वगैरह हुआ तो उसके बाद वो थोड़ी सी एक्टिविटी ऐसा लगा कि बंद हो गई है, तो अभी काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं हुआ, तो लेकिन किराए के लिए अभी कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि सबके दिमाग में वही है कि अभी क्लियर नहीं हुआ उनके लिए कि हाँ भी वहाँ पे कुछ था या नहीं था ना। तो लेकिन इन्होंने वो अपनी तरफ से कर दिया, तो ये सोच रहे कि हम इसको सेल कर देंगे, ताकि क्योंकि उन्होंने तो अपने इनकम का सोर्स बनाया हुआ था, इसलिए वो शायद इसलिए वो नया मतलब लेंगे फ्लैट और फिर उसको उस पर करेंगे। लेकिन दोस्तों ये कहानियाँ जैसे होती है ना, जैसे कहते हैं कि सुनने में तो बड़ी नॉर्मल लग रही है, लेकिन जो जिस बंदे ने ये चीज़ उस पर फेस की होगी, मेरे दोस्त ने अगर वाकई रियल में ये स्टोरी उसकी रियल है, तो अगर उसने उस दौरान उन्होंने देखा होगा वो, तो कितना मतलब एकदम डरावना होगा कि बंदा दिखाई नहीं दे रहा, शेडो आ रही है, शेडो अंदर गई है, मूड हो गया, सारा कुछ हुआ ना, तो मतलब सारा कुछ एक एक्टिविटी हो रही है, दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, लेकिन शुक्र है कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो दोस्तों ये ऐसी कहानियाँ जो होती हैं मतलब कई बार हमें इनके होने का एहसास करवाती है कि ये चीज़ें शायद होती हैं। बाकी आप क्या बोलते हो आप ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि ये कहानी मेरे दोस्त की कहानी है, उसका नाम नितेश है और उसने मुझे बताई ये कहानी, तो आप ज़रूर बताइए अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसी कहानी है आपके साथ जो आपने फेस किया, तो ज़रूर बताना, ताकि मैं उसको भी अपने वीडियो के ज़रिए उसको सबके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, बाय बाय, ठीक है, शबा खैर।